चल रिडल की बात करते हैं सर। रिडल दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास में कौन सी, राउंड बॉडी रिडल। कौन सी होती है? एक होती है राउंड बॉडी रिडल। देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर हम एक दिन पहले थ्योरी क्लास नहीं लेंगे, लेकिन इस एक दिन पहले वाली थ्योरी क्लास से काफी कुछ चीजें निकल के आएंगी। पहली होती है देखिए सर कौन सी, राउंड बॉडी रिडल होगी। दूसरी कौन सी होती है सर? दैट वन इज कटिंग रिडल। कौन सी होती है? कटिंग रिडल। अब समझिएगा दोनों में अंतर क्या होता है। राउंड बॉडी, इस इमेज को देखो, इस इमेज में हमने देखा, जैसे मान लो ये जो है ना, इसकी बॉडी कैसी है सर? गोल गोल है। इसकी बॉडी भी कैसी है सर? गोल गोल है। इसकी बॉडी भी हमें दिखाई दे रही है गोल। ये पेन कैसा है सर? ये राउंड राउंड है, राउंड है ना भाई, गोल है। बात समझ गए जी सर। इसी प्रकार कटिंग निडल कैसी होती है? तो ये कैसे होगी सर? ये राउंड होगी। कटिंग निडल कैसी होती है? कटिंग निडल होती है सर ट्राइंगुलर। कैसी होती है? ट्राइंगुलर। ट्राइंगुलर कैसे होता है सर, हम समझे नहीं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये रिमोट है, ठीक है, इस रिमोट के चार कोने हैं, एक दो तीन और चार। अगर इसी रिमोट को अपन ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या होगा सर? तीन ही कोने होंगे उसके, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। ऐसी होती है आपकी, अभी फोटो दिखाऊंगा आपको। राउंड बॉडी के अंदर ही बात कर सर, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है सर? एक होती है टैपर पॉइंट। कौन सी होती है बेटा? एक होती है टैपर पॉइंट निडल। दूसरी कौन सी होती है सर? एक होती है ब्लंट पॉइंट। कौन सी होती है? ब्लंट पॉइंट निडल। समझ लेना निडल के बारे में सारी चीजें, कंफ्यूज होता है। रिवर्स कटिंग, कन्वेंशनल कटिंग का मतलब क्या होता है? कटिंग में दो होती है, एक होती है कौन सी सर? एक होती है कन्वेंशनल कटिंग निडल। कौन सी होती है बेटा? कन्वेंशनल कटिंग होती है। दूसरी होती है कौन सी? सेकंड वन होती है हमारी रिवर्स कटिंग निडल। देखिए कन्वेंशनल कटिंग होती है ना, वो इस प्रकार से होती है। रिवर्स कटिंग जो होती है वो इस प्रकार से होती है। अब जब तक मैं ये समझाऊंगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा सर ये क्या बना दिया। ये तो दोनों हमें एक जैसी लग रही, इसके भी तीन कोने, इसके भी तीन कोने, एक का अपेक्स ऊपर है, एक का अपेक्स नीचे। ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा? अब टैपर पॉइंट और ब्लंट पॉइंट को समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैपर पॉइंट? टैपर पॉइंट हो गया जिसका सामने वाला हिस्सा जो है, जो हमारा एंड पॉइंट होता है, शार्प एंड पॉइंट, वो बिल्कुल क्या हो सर? नुकीला हो। दैट इज टैपर पॉइंट। यहां पर क्या है सर? ये बहुत ही बारीक है, बहुत पतला है, नुकीला हिस्सा है। दैट इज नोन एज टैपर पॉइंट। ये जो है ये क्या है सर? राउंड बॉडी। बॉडी कैसी है इसकी? राउंड बॉडी विथ टैपर पॉइंट है। क्या है? सॉरी टैपर नहीं, ये ब्लंट पॉइंट है। सामने से देखो, राउंड बॉडी विथ ब्लंट पॉइंट है जी सर। इसका सामने वाला देखेगा, ये थोड़ा मोटा नहीं लग रहा आपको? ये एरिया थोड़ा मोटा लग रहा है ना, जबकि इसकी बात करते हैं, ये क्या है सर? दैट इज ऑल्सो राउंड बॉडी। इसकी बॉडी राउंड है विथ टैपर पॉइंट। बस समझ में आ गया, इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो फिर एम्स वाले हमारा ध्यान रखेंगे, ठीक है? चाय पी लो अगर आपकी आज्ञा हो तो, मुझे थोड़ी सर्दी लग रही थी, कम कर लगता। चलिए आप भी पी लीजिए, घर वालों को बता दीजिए ना, हमें भी चाय चाहिए, हमारे सर पी रहे तो हमारी भी इच्छा हो गई। इधर देखो, देखिए यहां से इसको कट करके दिखाया गया, क्यों भाई? बीच में से कट करेंगे तो पता चलेगा ना कि बीच का इसका सेंटर कैसा है, राउंड राउंड है। क्लियर हुआ सर? ये भी हमें राउंड राउंड दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? ट्राइंगल समझ में नहीं आया मुझे, पता है नहीं आएगा, ठीक है? अभी जब फोटो समझाऊंगा ना तब समझ में आएगा, फोटो इसलिए लेके आए हुए सारी चीजें। तो टैपर पॉइंट समझ में आएगा। टैपर पॉइंट में क्या होगा? एंड जो होगा बिल्कुल शार्प होगा इसकी तरह। देखो ये क्या है सर? टैपर पॉइंट है, बिल्कुल एंड शार्प होगा। इसका क्या है सर? ब्लंट पॉइंट है। ये क्या है सर? दैट इज ब्लंट, दैट इज टैपर। इज दैट क्लियर? दैट इज टैपर पॉइंट, ब्लंट पॉइंट। ये सारी की सारी क्या होगी? हमारी राउंड बॉडी निडल। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, अब समझ में आ जाएगा ना? जी सर जरूर आ जाएगा। ये अरे ये लो भाई, अरे वो कौन बच्चा था जो ये कह रहा था कि सर इसको ऐसे करने से सही हो जाती है?
कोई बात नहीं, आगे पीछे जा रहे हैं, जाने दो इनको। अब देखो ये क्या है सर हमारी, सर ये ट्राइंगुलर है, यानी हमारी कटिंग निडल है। अब आप मुझे बताओ मैंने क्या बनाया था। सर आपने बनाया था एक कन्वेंशनल कटिंग, क्या बनाई थी, कन्वेंशनल कटिंग निडल बताई थी। तो कन्वेंशनल कटिंग निडल में मैंने आपको ट्राइंगल कैसा बनाया था, सर ट्राइंगल इस प्रकार से बनाया था आपने, इस प्रकार से बनाया था। अब क्लियर हुआ फोटो देख के भाई, अगर मान लो निडल इस प्रकार से होगी ना, देखिए निडल क्या होगी सर, देखिए निडल कैसे होती है सर, हाफ सर्कल निडल होती है, ठीक है, कैसे होती है, सर्कुलर होते हैं ना थोड़ी बहुत। तो ये जो एंड होगा, अब आप इसको सर्जरी के लिए कैसे काम लेंगे सर, किसी बॉडी पार्ट में इसी प्रकार से काम लेंगे। तो इसका जो अपेक्स है ना वो अंदर की तरफ आ रहा है भाई, इस निडल को देखकर आपको सभी को पता चल गया सर, निडल को ऐसे डालेंगे ठीक है, इस प्रकार स्किन में डालेंगे। तो पॉइंटेड एंड कहाँ है इसका सर, एक एक एंगल तो इसका यार नीचे वाला एरिया क्या है सर, नीचे वाला फ्लैट है, तो एक तो इस तरफ है इसका एंगल, एक इस तरफ है और एक ऊपर है, ऐसे है ना भाई, एक तो एंगल नीचे इस तरफ है, एक एंगल इस तरफ और एक एंगल ऊपर है। तो यहां पर अपेक्स पार्ट कहां आ गया, अगर आप इस निडल को रखते हैं तो अपेक्स पार्ट कहां रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, किस तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। इज दैट क्लियर।